यदि आप कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी वीडियो बनने जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम मनु कुमार, क्रिएटर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। दोस्तों, आज हमारा देश काफ़ी पीड़ित है। कारण है कोरोना वायरस। आज हमारे देश को हमारी सख्त आवश्यकता है और हम अपने देश को सपोर्ट करके, अपने देश का सपोर्ट करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। केवल हम अपने घरों में रह कर के ही देश के साथ साथ खुद को भी जिता सकते हैं। जो लगभग एक महीने का लॉकडाउन की जो स्थिति है, इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा कि पॉजिटिव ढंग से सीखना, सोचना पड़ेगा। एक महीने का लॉकडाउन है और चूंकि अभी इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं खोजा जा चुका है, जिसके कारण अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे भी लॉकडाउन हो जाए। देखिए, इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आपको स्कूल नहीं जाना है, विद्यालय नहीं जाना है, महाविद्यालय नहीं जाना है, कोचिंग संस्थान नहीं जाना है, जिसके कारण आपका एक बहुत बड़ा समय आपके पास सेव हो रहा है, बच रहा है। आप चाहें तो इस एक महीने का समय अंतराल में, एक महीने के दिन में आप पूरे एक वर्ष की पढ़ाई बहुत जबरदस्त ढंग से कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप अपने कक्षा के ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप जा करके ग्लोबल साइंस एकेडमी ऑब्जेक्टिव पर आप देख सकते हैं। वहाँ डेफिनेटली बहुत बड़े पैमाने पर और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको सही दिशा निर्देशन करते हुए सही आंसर्स के साथ उपस्थित है, अवेलेबल है। आप जा करके उसको देख सकते हैं। वहीं यदि मैं बात करूँ आपके सब्जेक्टिव की, तो आप इसके लिए जा सकते हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी सब्जेक्टिव चैनल पर। वहाँ आपके प्रत्येक सब्जेक्ट, आपकी कला, आपके कक्षा के प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन और उनका डिस्क्राइब जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर उचित शब्दों का उपयोग करते हुए दिया गया है। आप जाकर के उससे लाभान्वित होंगे। तो देखिए, इस लॉकडाउन को आपको अपनी ताकत बनानी है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चनों, दोनों तरह के प्रश्नों का उत्तर आप जानें और जाकर के वहाँ पूरी तरह से आप वहाँ लाभान्वित हो, यही मेरी आपसे गुजारिश है, ताकि आपका जो लॉकडाउन है ये समय आपका व्यर्थ नहीं। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी एक एक छोटी सी प्रयास देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप घर ही बैठ करके देश के लिए बहुत बड़े बड़ा काम कर सकते हैं। आपको करना होगा कि अब इस वीडियो को आपके पास जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उस पर आप शेयर करेंगे। मैं खुद भी ऐसा करने वाला हूँ। मेरे पास जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, मैं सबके पास इस वीडियो को शेयर करने वाला हूँ, ताकि हो सकता है किसी का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट इससे मिल जाए और उसके जीवन में एक उज्जवल सिचुएशन आ जाए। तो इसके लिए मैं डेफिनेटली इस चीज़ को करूँगा। और इस संकट की घड़ी में यही सच्ची देशभक्ति है, डेफिनेटली ऐसा काम किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस संकट की घड़ी में यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो चलिए, वंदे मातरम।